गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन योर प्रैक्टिस बुक। ये प्रैक्टिस बुक का ही कराया जा रहा है आपको। चैप्टर हमारे सेकेंड कोर्स बुक में कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम प्रैक्टिस बुक में से चैप्टर सेकेंड को ले रहे हैं। तो माई टर्न फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज। अभी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं तो उसको कम्प्लीट करना है। अर्लियर पीपल बिलीव डैट द अर्थ वाज, तो ब्लैंक में हमने क्या लिखा, फ्लैट। अर्लियर जो पीपल थे वो किस में विश्वास करते थे, कि अर्थ हमारी फ्लैट है। मैनी थॉट डैट इफ द सेलर्स रीच द अर्थ एज या बॉर्डर इन द ओशियन, दे वुड फॉल ऑफ इन अ डीप गॉर्ज। सेलर्स का बहुत सारे क्या सोचते थे, कि यदि सेलर जब पृथ्वी के किनारे पे या सीमा पे पहुंचेगा, इन द ओशियन समुद्र में, तो दे वुड फॉल ऑफ इन ए डीप गॉर्ज, तो वे गहरी खाई में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ए ग्रीक थिंकर प्लूटो सजेस्टेड दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल, एंड अनदर ग्रीक नेम्ड पाइथागोरस प्रूव दिस यूजिंग मैथमेटिक्स। एक ग्रीक थिंकर हुए थे प्लूटो, जिन्होंने क्या सुझाव दिया कि पृथ्वी स्फेरिकल है, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार है। और अनदर ग्रीक जो थे उन्होंने क्या दिया, पाइथागोरस जो थे ग्रीक, उन्होंने प्रूफ किया इसको मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, उसके बारे में बताया। आफ्टर नोइंग द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ, क्रिएट्स ऑफ मॉलर्स मेड ए 3D मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब। मतलब करेक्ट शेप के जानने के बाद में जो क्रिएट्स ऑफ मॉलर्स जो थे उन्होंने 3D मॉडल बनाया एक पृथ्वी का, जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। टुडे वी नो अबाउट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ बाय लुकिंग एट, आज हम जानते हैं सही शेप के बारे में पृथ्वी के, द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। जो ये पिक्चर ली जाती है पृथ्वी की, वो कहाँ से ली जाती है, स्पेस से ली जाती है ना, तो वहाँ से पिक्चर ली गई, तो इसलिए हम ट्रू शेप के बारे में जान पाए हैं। जब हम देखते हैं वो स्पेस से पिक्चर लेते हैं, तो उससे क्लियर जो फोटो है वो पृथ्वी की ट्रू शेप के बारे में पता चलता है। माई टर्न सेकेंड, तो फर्स्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आप इसको मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम बी से। फर्स्ट है लार्जेस्ट ओशियन, देखिए लार्जेस्ट ओशियन कौन सा था हमारे, पैसिफिक ओशियन है, जो हमारे फोर से कनेक्ट है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ओके स्टूडेंट, यानी प्रशांत महासागर। और बी जो है वो एस शेप्ड ओशियन, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एस शेप्ड का जो ओशियन है वो कौन सा है, वो है अटलांटिक ओशियन, क्लियर, अटलांटिक ओशियन है। एंड फ्रोजन कॉन्टिनेंट, फ्रोजन कॉन्टिनेंट सब मीन्स है कि जो जम जाता है ना, जहाँ पे हमेशा क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं, ये जो जमा हुआ रहता है, तो फ्रोजन कॉन्टिनेंट कौन सा, वो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका। एंड है आइलैंड कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, आइलैंड कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है जो आइलैंड कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो कौन सा है हमारे, वो है एशिया, यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को इससे कनेक्ट होगा हमारे एशिया से, यानी एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट ओशियन नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री, यानी ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम हमारे देश पे पड़ा है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, सेकंड नंबर से होगा इंडियन ओशियन, कौन सा है, इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर भी कह सकते हैं, तो इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, मार्क द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस मैस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन द वर्ल्ड मैप गिवन ब्लो। अब देखिए ये आपके ब्लैंक है, यहाँ पे हमें फिल करना है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे कंप्लीट में, तो क्या है आपने फर्स्ट नंबर पे जो अपर साइड में वो क्या है, आर्कटिक ओशियन है, ओके, आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट में जब हम आते हैं ब्लू कलर की तरफ आते हैं, तो कौन सा हमारा वो निकल के आता है, ये आर्कटिक तो ओशियन था, ये कॉन्टिनेंट्स है, तो नॉर्थ अमेरिका, क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है। और नीचे डाउन साइड में हम देखते हैं तो ये हमारे क्या है, ग्रीन वाला ये है साउथ अमेरिका, क्या है ये, हमारे साउथ अमेरिका।
अब जो ब्लू यहाँ पे हमारी जो पैसिफिक ओशियंस आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है। अपर साइड में जब साउथ के और नॉर्थ के अमेरिका के बीच की बात करते हैं तो कौन सा ओशियन आ जाता है? अटलांटिक ओशियन है। ओके, अब हम आते पर्पल कलर की तरफ। ये हमारे जो सॉरी पिंक कलर आपके हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? एशिया है। क्या है हमारे? एशिया है। नेक्स्ट है हमारे ऑरेंज कलर का जो इधर है पास में, वहाँ पे यूरोप है। फिर डाउन साइड में अफ्रीका है, ठीक है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे इंडियन ओशियन आ गया यहाँ पे, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशियन, तो बहुत साइड में पैसिफिक ओशियंस है। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा क्या है? आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट में आइलैंड कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और डाउन साइड में जो सदरन ओशियन भी कह सकते हैं हम, ये अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे। ओके, तो ये मैप के थ्रू आपको यहाँ पे इसमें इंडिकेट करना है और इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंसेस एंड द वन सिमिलरिटी बिटवीन ए कॉन्टिनेंट एंड एन ओशियन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको टू डिफरेंसेस बताने हैं और एक समानता बतानी कॉन्टिनेंट और एक ओशियंस के बीच के बारे में। Differences between a continent and oceans. अब इनमें अलग क्या चीज़ें हैं, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, differences क्या है इनमें। Continents are the large land masses होते हैं on the earth. Continents क्या है? एक बड़े land masses हैं जो पृथ्वी पे हैं। Whereas oceans are the large water bodies separating the continents. अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस आ गए, तो इन दोनों के डिम तो कॉन्टिनेंट्स में क्या डिफरेंसेस है? लार्ज जो लैंड मासेज होता है ऑन द अर्थ एंड वेयरस, जबकि ओशंस में क्या है? लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं जो सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करते अलग करते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरिटी बिटवीन ए कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब इनमें क्या समानता है दोनों में? Both continents and the oceans are the present on the surface of the earth. देखिए continents और oceans में यही है कि ये दोनों ही जो किस पे है? पृथ्वी पे हैं, ठीक है, यही सिमिलरिटी है इनमें कि continents भी हमारे अर्थ में है और oceans भी है, तो present on the surface of the earth. Okay? Next, my turn, third. Students, आप देखिए क्या है, globes and maps के बारे में है। तो फर्स्ट क्या, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ए ग्लोब एंड ए मैप एंड राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन देम। यहाँ पे डिफरेंस बताना है बिटवीन देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो कि स्पेस दी गई उसमें हमें इनके बारे में डिफरेंसेस को लिखना है कि क्या क्या इनमें समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो आपको पिक्चर में ग्लोब भी दिख रहा है और पिक्चर के अंदर ही हमारा जो है वर्ल्ड मैप भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत दोनों दिखाया गया है। तो देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी होगी, ग्लोब और मैप की जब बात करते हैं तो सिमिलरिटी बिटवीन ए ग्लोब एंड ए मैप, तो बोथ शो लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए दोनों हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, ये तो आपको पता ही है कि हमें कोई भी चीज़ के बारे में, किसी कंट्रीज के बारे में हमें जानना है या किसी और चीज़ के बारे में जानना है, तो वो सब हम किसकी तरफ देखते हैं? मैप्स की तरफ देखते हैं या हम ग्लोब की तरफ देखते हैं? तो ये दोनों हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? तो ये इसीलिए है कि इसमें मतलब पूरी पृथ्वी का जो सरफेस आ जाता है उसमें वाटर बॉडीज भी आ जाती है और लैंड मासेस भी आ जाते हैं। तो बोथ शो दोनों ही क्या दिखाते हैं, लैंड मासेस को भी दिखाते हैं और वाटर बॉडीज को भी दिखाते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, डिफरेंस बिटवीन ए ग्लोब एंड ए मैप। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है हमारा जो ग्लोब और उनके बीच में मैप के बारे में, तो ए ग्लोब इज स्फेरिकल इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट एट टॉप एंड बॉटम। ए ग्लोब इज स्फेरिकल, ग्लोब कैसा होता है? गोलाकार होता है इन शेप, आकृति में, एंड स्लाइटली फ्लैट और थोड़ा सा फ्लैट भी होता है, चपटा भी होता है एट टॉप एंड बॉटम। अब देखिए आपने पिक्चर में देख रहे हो ना, दोनों तरफ से ये क्या हुआ, स्लाइटली यानी हल्का सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखाई देगा, हल्का सा आपको डाउन साइड में और टॉप की तरफ दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, वो फ्लैट दिखाई देगा। ओके, और वेयर्स
A map is made on a flat surface like a paper or cloth. जबकि हमारा मैप जो होता है वो किस पे बना हुआ होता है? फ्लैट सरफेस पे बना होता है, ठीक है। जैसे कि एक पेपर हो या कपड़ा हो या कुछ चीज़ें ऐसी हो, लेकिन वो पेपर से ही रिलेटेड होता है। मैप ज़्यादा जनरली किस पे बनाए जाते हैं? पेपर पे ही बनाए जाते हैं। तो वेरस ए मैप इज मेड ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक ए पेपर और क्लॉथ, दोनों पे बन सकता है लेकिन वो पेपर ज़्यादा यूज होता है। तो अंडरस्टैंड, सिमिलरिटी तो क्या है, दोनों ही हमारे लिए किस काम में आते हैं? हमें वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, ठीक है। तो बहुत क्या शो करते हैं? लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज को शो करते हैं। और नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के बीच की, तो ग्लोब तो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप में और स्लाइटली फ्लेट होता है जो टॉप एंड बॉटम बोथ साइड में। वेरस ए मैप इज मेड ऑन ए फ्लेट सरफेस, जबकि एक मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पे ही बनाया जाता है। जैसे कि एक पेपर होता है या कपड़ा होता है, वो उसी पे दोनों पे बना सकते हैं हम किसी पे। सेकंड, रमेश इज ए स्टूडेंट, राइट वन वे इन विच ए ग्लोब एंड ए मैप विल बी हेल्पफुल टू हिम। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को मान सकते हैं कि जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, तो एक तरीका बताइए कि जिस जो कि हमारे ग्लोब होता है, मैप होता है, वो हमारे उस कैसे हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो ए ग्लोब कैन टेल हिम अबाउट द ट्रू शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पे हिम का यूज़ किया है हमने, रमेश को स्टूडेंट मान के किया है, ठीक है। तो एक ग्लोब क्या हमें बताता है? अब यह कहें ए ग्लोब कैन टेल यू, ए ग्लोब आपको बता सकता है अबाउट द ट्रू शेप, सही आकृति के बारे में, एंड लोकेशन के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के और ओशियंस के बारे में जो पृथ्वी पे हैं हमारे। मैप, ए मैप कैन हेल्प हिम स्टडिंग ए पार्ट ऑफ द अर्थ इज इन डिटेल। एक मैप जो है वो उसकी सहायता कर सकता है स्टडी करने में, अध्ययन करने, एक हिस्से का, पृथ्वी के अगर हमें एक हिस्से का अध्ययन करना होता है तो डिटेल में हमें पूरी जानकारी दे सकता है। जैसे सपोज कीजिए हमें राजस्थान के बारे में जानना है, तो राजस्थान के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के बारे में हम डीपली देख सकते हैं, और स्टेट में भी कितने हमारी और चीज़ें हैं, कितने कहाँ कहाँ पे क्या लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें हमारी उसमें बताई जाएगी। तो मैप हमारे लिए इस तरह से डिटेल में हेल्पफुल हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक रीड करें। आप सभी को ये अपना वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, अन्यथा आप सबके पास में प्रैक्टिस बुक है तो उसी में आप अपना वर्क करेंगे। ओके, और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो हार्ड कॉपी आपने रख रखी थी अपने टेस्ट पेपर की, वो भी आपको स्कूल में जमा करानी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके एंड थैंक यू।